श्याम प्रेमियों, आप सभी को जय श्री श्याम। आप सभी को खाटू श्याम जी के फाल्गुन मेला का बेसब्री से इंतजार था। वह दिन अब जल्द आने वाला है। आप लोगों को क्या करना है, आइए जानते हैं। इस कोरोना काल में सारा सिस्टम बेकार कर दिया, जिस कारण भक्तों को बहुत परेशानी हो रही है। चलिए हम जानते हैं कि हम कैसे इस फाल्गुन मेला का आनंद ले सकते हैं और खाटू श्याम बाबा का दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले जिन भक्तों को दर्शन करने के लिए जाना है, उन्हें सबसे पहले श्री श्याम दर्शन .in के वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन ध्यानपूर्वक करिएगा, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर न यह तो कैंसिल हो सकता है, न ही दोबारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 28 दिन तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं, ये अभी वेबसाइट पे दिया गया है। क्या पता मेले के चलते कुछ बदलाव भी हो सकता है, लेकिन जो है वही मैं बता रहा हूँ। अगर चलिए गलती से हो भी जाता है तो मुझे कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। और आपको कोरोना जांच का एक सर्टिफिकेट लेकर जाना है, वो कहाँ से मिलेगा आइए जानते हैं। आपके राज्य, आपके जिला के अस्पताल यानी कि सरकारी अस्पताल या सदर हॉस्पिटल से संपर्क करिएगा। वहाँ पे डॉक्टर बैठे होंगे, वहाँ पे जाइएगा, उनसे पूछिएगा, वो सारी प्रोसेस बताएंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको 72 घंटे का सर्टिफिकेट चाहिए यानी कि 3 दिन का। जैसे आप 21 मार्च को रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो आपको 19 या 20 में सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। 19 का बनवा लीजिएगा, 19, 20, 21। ये सब करने के बाद आप खाटू श्याम जी के दर्शन एवं फाल्गुन मेला का आनंद लेने के लिए जा सकते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर करिएगा कि कोई श्याम भक्त छूट ना पाए इस फाल्गुन मेले से। और अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। जय श्री श्याम। बोलो हारे के सहारे की जय हो।